गौरीहार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड्डी में 17 दिन पहले जमीनी विवाद के चलते एक पुत्र ने अपनी 70 वर्षीय मां की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी थी। इस मामले में महत्वपूर्ण यह है कि अपने बेटे की लाठियां खाने वाली मां ने थाने में वर्तमान सरपंच मुन्नी पाल और एक अन्य महिला रामबाई पाल के खिलाफ मारपीट की झूठी शिकायत कर दी। सोशल मीडिया में जब मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तब इस पूरे षड्यंत्र की पोल खुल गई। जानकारी के मुताबिक विगत 2 जून को खड्डी निवासी खिलावन उर्फ बग्गा ने अपनी 70 वर्षीय मां मरगीबाई के ऊपर जमकर लाठियां भांजी थी। इस घटना में वृद्धा के पैरों में चोटें आई थी, लेकिन मरगीबाई ने अपनी बहू छुट्टन के साथ गौरीहार थाने पहुंचकर बेटी की शिकायत करने के बजाय गांव की वर्तमान सरपंच मुन्नी पाल और रामबाई पाल के खिलाफ शिकायत कर दी। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ के चलते मामले में सरपंच के खिलाफ प्रकरण कायम नहीं किया, लेकिन घटना के बाद से ही वृद्धा का पुत्र फरार है। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया में अगर वायरल नहीं होता तो शायद वृद्धा की बात सत्य मान ली जाती। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक 70 वर्षीय वृद्धा अपने बेटे की लाठियां खाने के बाद भी रंजिशन दूसरों को फंसाने के लिए तैयार हो गई। ये अभी संज्ञान में आया है कुछ देर पहले कि एक युवक जो है एक महिला को डंडे से मार रहा है और इस संबंध में थाने से सूचना ली गई है। तो अभी संभवतः ये बताया जा रहा है कि जो महिला है उसका पुत्र ही उसे मार रहा है। थाने पे अभी तक कोई रिपोर्ट करने नहीं आया है, परंतु एक पुत्र अपनी माँ को डंडे से मार रहा है ये कदाचित उचित नहीं है और मेरे द्वारा थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि वहाँ पे किसी विवेचक को भेज के और इसमें कार्रवाई करेंगे।